जय हिंद वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर आप सभी का एक बार फिर से विजयपथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है तो आज आरएमएस का सीईटी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया आर्मी के द्वारा क्लास सिक्स के लिए एंट्रांस टेस्ट ये रहता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए तो सिक्स के लिए जो है ये एंट्रांस एग्जाम कंडक्ट करवाया गया टोटल दो क्वेश्चन का आपका पेपर रहता है जिसमें से जीके और मैथ का सेक्शन हमने पहले ही आपको प्रोवाइड करवा दिया है आंसर की के साथ, के साथ अब हम इंग्लिश सेक्शन को कवर करने जा रहे हैं देखिए पहला क्वेश्चन जा आपके पास रीअरेंज आपको करना था तो इसका जो राइट आंसर आपके पास रहना है ये हम सेट ए सीरीज ए को हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को आप चेक कर लीजिए रीअरेंज करना था एक मीनिंगफुल सेंटेंस में वर नॉट स्कूल दे यशे तो इसका जो राइट right आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले आना था डी फिर बी फिर ए सी और ए तो आपके पास फॉर्म क्या बननी थी यस्टरडे स्कूल वर नॉट वर नॉट सॉरी यहां पे हा ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई हाँ सबसे पहले ऑप्शन डी आना था सॉरी दे दे वर नॉट एट स्कूल नंबर बी जो था आंसर right था क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री था इसमें आपको uh, बताया गया था कि ऑप्शन बिच कैन रिप्लेस दर्ड इन ब्लॉक लेटर्स तो द थीफ बिल कन्फेस विद गिल्ट सून तो इसको आपको चेंज करना था क्या इसका सही आंसर था तो ऑप्शन नंबर सी एडमिट एडमिट जो था वो इसका राइट right आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ माई फ्रेंड डैश हिज पर्स लास्ट नाइट तो क्या हुआ लोस्ट हुआ लूज हुआ उसका पर्स जो है वो खो गया उससे तो उसके लिए कौन सा सही वर्ड जो था वो आंसर बनना था तो लोस्ट आना था लोस्ट हिज पर्स लास्ट नाइट बिल्कुल डायरेक्ट इजी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे ऑप्शन सी सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव फिर से यहाँ पे रिप्लेस करना था जैसे कंपल्सरी है तो कंपल्सरी ऐसे क्वेश्चन था क्वेश्चन का ए रहना है, रहना था फोर्स का मतलब होता है जबरदस्ती वो चीज आपको करनी ही है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ आपको बताना है यहाँ पे डैश आर समाइम कॉल डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या बनना था स्टेटमेंट्स ऑप्शन नंबर ए सही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन है यहाँ पे आपको फिर से रिप्लेस करने की बात की गई थी दे विल श्योरली इग्नोर यू तो इग्नोर की जगह आप कौन सा वर्ड जो थे वो रख सकते थे सेवंथ का था ओवर लुक ऑप्शन बी इसका सही आंसर है नेक्स्ट इंडिया डैश एवरी वन टू डू हिज हर ड्यूटी क्वेश्चन नंबर एट्थ का राइट आंसर था एक्सपेक्ट्स ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है सेट ए सीरीज ए को हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे अपनी आंसर की को आप जरूर चेक कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ था करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी थी तो नाइन्थ का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट right आंसर रहेगा होरोस्कोप एच ओ आर ओ एस सी ओ ई राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर टेन आपको यहाँ पे नियरेस्ट क्लोजेस्ट मीनिंग आपको बताना था जिसको हम सिनोन भी बोल सकते हैं एडवाइस का तो एडवाइस का मतलब क्या होता है क्वेश्चन नंबर टेन का राइट right आंसर था थाउंसल ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है नेक्स्ट इलेवेंथ क्वेश्चन द स्पीकर विल बी कमिंग डैश कार क्या इसका राइट right आंसर था क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ का था बाय यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ डायरेक्शन आपको बतानी थी यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल चूज करना था ही कैन फ्लाई डैश एरोप्लेन तो ए एंड तीन आर्टिकल है और एक ऑप्शन था नन ऑफ दीज या फिर नो आर्टिकल का तो ट्वेल्थ का राइट right आंसर था एन एरोप्लेन ए ई आई ओ यू एबल्स है तो एन का यूज किया जाएगा बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टीन करेक्ट एडजेक्टिव आपको बताना था देर इज डैश वॉटर इन द बोटल फ्यू है सम है लार्ज है या फिर स्मॉल है तो वोटर के केस के लिए यहाँ पे आप किसको शो करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन का ए रहेगा सम सम इन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर है यहां पे आपको एक वर्ड जो था वो फिल करना था दे वर एंग्री विद डैश फॉर देयर सिली मिस्टेक तो क्या यहाँ पे राइट right आंसर था क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का डी रहेगा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में आपको फिर से रीअरेंज करके बताना था डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ऑप्शन 16 16 है, है बताना है यहां पे तो बी एज कोल्ड एज स्नो तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था नेक्स्ट uh, 17 में फिर से आपको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको अरेंज करना था इस फ्रेजेस को तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का जो राइट right आंसर है वो है ए ये आप चेक कर सकते हैं आपने अपने सेट के अकॉर्डिंग अपने पेपर के अकॉर्डिंग एटीन करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी थी एप्रिसिएशन की तो क्वेश्चन नंबर एटीन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी एप्रिसिएशन का जो uh, स्पेलिंग है वो है ए डबल पी आर ई सी आई ए टी आई वन ये स्पेलिंग होती है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में आपको देखिए फिर से अरेंज करना था ऑर्डर ही अरेंज करने के ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे गए थे तो नाइनटीन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द मदर डैश फूड फॉर अस एवरी डे क्या आएगा वो खाना पकाती है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ऑप्शन बी रहेगा कुक्स ऑप्शन बी राइट आंसर है कुक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अंडर द कोकोनट ट्री ऑप्शन क्या आपने वो देखा है आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा रहा है ट्वेंटी टू का आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए वन रुपे नोट ए आएगा यहाँ पे नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री ए सिनेमन ऑफ डिक्ट डिलेक्टेबल डैश तो क्या यहाँ पे आंसर रहना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का ऑप्शन सी रहेगा डिलीशियस तो सी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द क्लासेज डैश मंडे तो क्या राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का ऑन मंडे होता है क्योंकि डेज है डेज के लिए ऑन लगाया जाता है ऑप्शन बी सही है उसके बाद देखिए फिर से रिप्लेस करने को आपको यहाँ पे सॉरी अपोजिट वर्ड यहाँ पे बोला गया था पोलाइट का तो पोलाइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का राइट right आंसर रहेगा डी रूड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स माई सिस्टर डैश फ्रॉम रिसेंटली तो क्या इसका राइट right आंसर था ऑप्शन नंबर ए क्रोस नेक्स्ट ट्वेंटी सेवन है चूज द सुटेबल वन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन ए बिल्डिंग एक आपको एक्सप्रेशन चूज करना है बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग Grain जो store किया जाता है जैसे वहां पे तो क्वेश्चन सेवन का राइट right आंसर था ऑप्शन नंबर डी ट्वेंटी एट का क्या रहेगा आपको सॉरी अपोजिट बर्ड नहीं आपको ऑप्शन दिए गए थे प्रोनाउन आपको फिल करना था देवर एग्री विद डैश फॉर देर सिली मिस्टेक पहले भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया themselves आएगा ट्वेंटी एट का ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका ये तो दो नंबर आपके यहाँ पे आने चाहिए नेक्स्ट ट्वेंटी चूज द करेक्ट प्रापोजिशन आपको चूज करनी थी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है इसका राइट right आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए आई विल मीट हिम ऑन सैटरडे देखिए डेज के लिए मैंने पहले ही बोला ऑन लगाया जाता है ऑप्शन ए राइट आंसर है फाइंड द करेक्ट जेंडर ऑफ मर्किस तो इसका जो राइट right आंसर था थर्टी का वो था ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट थर्टी वन सिनोनमस ऑफ फॉर Courageous, इसका राइट right आंसर है थर्टी वन का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रेव राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू मिस्टर चैटर्जी वांट्स टू बी डैश एमएलए तो इजी क्वेश्चन था एन एमएलए होता है ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है थर्टी थ्री डैश कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस किसको कहा जाता है 33 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट था नेक्स्ट थर्टी फोर द किड इज लर्निंग टू प्ले डैश बोयलैन थर्टी फोर का राइट right आंसर है ऑप्शन बी द बोयलेन आएगा यहाँ पे आर्टिकल बताया गया था आपको आपकोमा फॉर बोबल इज क्या होता है थर्टी फाइव का राइट right आंसर था प्रोमिस्ड ऑप्शन नंबर ए

आप आप जितने भी यहाँ पे सेटल या फिर चूज़ ऑप्शन थे सब को आप टिक कर सकते थे तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अब रहेगा ए लिटल फ्यू क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का राइट right आंसर है सी फ्यू स्टूडेंट्स फ्यू स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है नेक्स्ट फिर से आपको रिप्लेस करने के लिए कहा गया था फोरगिव फॉर गिव प्लीज फॉर गिवी यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं का है, Paradon, A, सही है, Next है 40, uh, of, uh, for satisfaction. क्या रहेगा इसका आंसर फोर्टी का ऑप्शन बी कॉन्टीमेंट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट right आंसर है उसके बाद देखिए फिर से arrange करने को कहा गया था आपके पास तो ऑप्शन जो आपके दिए गए थे उनमें से आपको चूज करना था 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है 42 था मधु डैश दा टेस्ट बिकॉज़ सी थिंक शी विल फेल टेस्ट क्या राइट आंसर था ऑफ टू अबाउट ओन 42 का है ऑप्शन नंबर सी अबाउट राइट आंसर रहेगा 43 में आपको फिल करना था द दा टेरिस्ट डैश डेड बाय द कॉप तो उसको क्या किया गया शूट किया गया शूट्स, has, शूट या फिर वॉज शूट फोर्टी थ्री का राइट right आंसर आपके पास है बी शूट नेक्स्ट फोर्टी फोर डू यू सी डैश ब्लू स्काई आपसे पूछा जा रहा है कि आपने स्काई को देखा ए एन द या फिर नो आर्टिकल फोर्टी फोर का डी आएगा द ब्लू स्काई ठीक है नेक्स्ट फोर्टी फाइव फिल फिल्म द ब्लैंक सुटेबल बर्ड या फिर फ्रेजेस आपको बताने थे प्लीज बी क्वाइट आई डैश तो आई के साथ क्या लगेगा यहाँ पे आई एम बर्किंग आई एम बर्किंग वाज वर्किंग हैज वर्क या फिर हैव वर्कड तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आई एम वर्किंग ए इसका राइट आंसर था नेक्स्ट आपको पैराग्राफ दिया गया था चूज करने को तो यहाँ पे पैराग्राफ आपके बचेंद्री पाल से रिलेटेड था तो 46th का क्वेश्चन जो था वो

तो ये फर्स्ट यंगेस्ट गर्ल जो थी वो रही है जिन्होंने जो, जो है वो हिमालय के ऊपर जो है वो चढ़ाई की थी तो उससे रिलेटेड पैराग्राफ आपको ये दिया गया था माउंट एवरेस्ट के ऊपर ये चढ़ी थी और उससे रिलेटेड जो आपके पास ये पैराग्राफ था यहाँ से आपको आंसर जो थे वो ढूंढने थे आई तो होप आपके 50 के 50 क्वेश्चन सही हो लगभग 50 में से आपके 42 से ज्यादा क्वेश्चन सही होने चाहिए मेरिट दो है वो आपकी काफी हाई जाती है लेकिन छोटे लेवल छोटे बच्चों का जो है एग्जाम है तो आपको अपनी तैयारी का जो है वो पता लग जाता है तो आई होप आपका एग्जाम काफी अच्छा गया हो बाकी आंसर की हमने ऑलरेडी अपलोड करवा दी गई है तो आप उसको हमारी प्ले के ऊपर विजिट कर सकते हैं वहाँ से आप चेक कर सकते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे मिलूँगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत